आज शाम को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, वादी राजीव शर्मा जो एक नीम का कार्य करते हैं, एक बजरंग स्टील वर्क्स है उसका काम करते हैं, और उनके द्वारा बताया गया कि वो कंपनी के पैसे इकट्ठे करते हैं जो भी व्यापारियों पे उधार होता है। तो कल ये मेरठ में आए थे और वहाँ से लगभग 18 लाख रुपये इन्होंने जमा किए थे और बहसुमा कस्बे से ये वापस जा रहे थे। तो कस्बे से 2 किलोमीटर आगे इनके साथ 2 व्यक्तियों के द्वारा गाड़ी को ओवरटेक करके इनके साथ लूटपाट की गई, और लूटपाट करने का जो तरीका था वो ये था कि इन्होंने गाड़ी का बाएं साइड का शीशा तोड़ा और उसमें अंदर मिर्च फेंक दी, और जिससे इनके हाथों में मिर्च लगी, और उसके बाद इन्होंने जो बैग था वो दोनों के लेके चले गए। पुलिस के द्वारा इसमें लूट का मुकदमा पंजीकृत कराया गया, और उसके बाद जो बेचना प्रारंभ की गई उसमें गहनता से दोनों ही व्यक्तियों से पूछताछ की गई, CCTV जो आसपास लगे थे उनका निरीक्षण किया गया, साथ ही साथ जो सर्वेलांस की मदद ली गई। तो इस पूरी घटना में पता चला कि वादी जो इस मुकदमे का वादी है उसके द्वारा स्वयं ये घटना पैसे हड़पने के उद्देश्य से की गई थी, और पूरी घटना को एक लूट का जो रूपांतरण है वो दिया गया, और साथ में तीसरा अभियुक्त सचिन है उसके साथ मिलकर ये घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरी घटना में जो तीसरा अभियुक्त सचिन है अपने साथ मिलाकर इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से, जब ये वो तीसरा अभियुक्त गाड़ी लेकर आया, गाड़ी ओवरटेक की, इन्होंने स्वयं ही अपना जो बैग है उसको दे दिया, और गाड़ी का जो शीशा है बाई साइड का उसको गाड़ी का जो जैक होता है उससे मारकर तोड़ दिया, और मिर्च का जो पाउडर है वो गाड़ी के अंदर फेंक दिया, और उसके बाद ये अपने मालिक को इन्होंने जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले को सूचना दी कि घटना एक लूट की घटना हो गई है, और जो 18 लाख रुपये हैं वो 2 बदमाश छीन कर ले गए हैं। इस पूरे प्रकरण में जो वादी जो मुनीम है और जो चालक हैं, इन दोनों के द्वारा तीसरे अभियुक्त के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया गया। दोनों ही अभियुक्त जो चालक हैं और जो मुनीम है पुलिस की हिरासत में है और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही साथ घटना में जो रुपए गए 18,48,300 रुपए वो पूरे के पूरे बरामद कर लिए गए हैं, और तीसरे अभियुक्त सचिन की गिरफ्तारी की जा रही है और पुलिस टीम उसके लिए लगी हुई है, और तीनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सर पैसे कहाँ से बरामद हुए, किस जगह के तीनों?